सर्वप्रथम स्वागत माननीय केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री श्रीमती विद्या मंत्री स्वागत 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 माननीय केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री श्रीमती विद्या मंत्री स्वागत हमारे लिए खड़ा करने खुशी आ रही थी, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हम बीमार करें तो हमारा भी इलाज अच्छे से हो पाएगा। किसानों को भी लग रहा था कि हमारी आमदनी दुगनी होगी और मजदूरों को भी लग रहा था कि हमारा भी मान सम्मान और हमारे भी कल्याण की बात होगी, महिलाओं को भी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा इस देश में, ऐसी अपेक्षा कर रही थी, आशा था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, हम गरीब बोलते हैं जिसमें सामान्य वर्ग के लिए, सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी किए हैं उसका असर देखने को मिलता है। मैं दो दिन से यहाँ हूँ, दो दिन और रहने वाला हूँ, चार दिन का कार्यक्रम इस हिस्सा में, दो दिन यहाँ रहा हूँ, कर्नवाल लोकसभा में घर से हूँ और दो दिन मैं करनाल घूमूंगा। जहाँ जाइए वहाँ मोदी 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 मोदी, भाजपा भाजपा भाजपा, कमल कमल कमल, लोगों का विश्वास हो गया नरेंद्र मोदी जी पर, भाजपा पर, कमल पर, और लग रहा है कि लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कर रहे हैं, इसका असर काफ़ी गाँव में है। और दूसरा कि मैं संगठन के बैठक में भी आया हूँ, संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ दायित्व मेरे ऊपर दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने, उसके लिए भी मैं आया हूँ संगठन के लोगों से मिलना। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत विस्तार हुआ, पहले भी हम यहाँ संगठन मजबूत ही था, लेकिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, उनके मन में जो प्रधानमंत्री के प्रति आस्था और भाजपा के प्रति, इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ भी जा रहे हैं, गाँव गाँव बूथ बूथ पर उनको वर्कर मिल जा रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे कार्यकर्ता मिल जा रहे हैं, तो संगठन विस्तार भी यहाँ तेजी से हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और यहाँ का संगठन हमारा बहुत मजबूत है। तो संगठन के साथ भी संवाद और विचार और कुछ कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए आए, उसी के तहत मेरा यह कार्यक्रम।